अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3.5। तो 3.5 में हमने क्या करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना है। अभी इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे दो फंक्शंस को। एक फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं, उनको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और दूसरे फंक्शन हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर अभी दो फंक्शंस, यानी कि हाइपरबोलिक और सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शंस और इसके अलावा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्या है, x की पावर x प्लस 6 x। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 एफएससी सेकंड ईयर का 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.5 में हमारे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। अभी क्या करना है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x की पावर 6 प्लस 6 की पावर x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है किसके, विद रिस्पेक्ट टू x के। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 6 की पावर x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू d ओवर dx x की पावर 6 प्लस 6 की पावर x, हमें ये डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर रूल के मुताबिक 6 इधर आ जाएगा और x की पावर 6 है, 6 में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और प्लस ये जो 6 की पावर x है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि d ओवर dx a की पावर x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x ln a, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास a है, तो ये क्या लेगा 6 की पावर x ln a, ये हमारे पास क्या है 6 है ln 6, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, 6 6 में से 1 निकालो 5 बचेगा, x की पावर 5 जमा 6 की पावर x ln 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है e की पावर sin x plus cos x। तो हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन लेट करेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू e की पावर sin x प्लस cos x, ठीक है, इसको हमने लेट किया। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, x के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पर, dy ओवर dx is equal to d over dx e की पावर sin x plus cos x, ठीक है, तो d over dy over dx is equal to, एक चीज हमने पढ़ा था d over dx e की पावर x किसके बराबर होता है, e की पावर x के बराबर होता है। तो एक यहां पर क्या जाएगा, e की पावर sin x plus cos x, फिर इसका डेरिवेटिव होगा। अगर मिसाल के तौर पर d ओवर dx में करूं e की पावर 2x करूं तो क्या जाएगा, e की पावर 2x इनटू d ओवर dx इनटू 2x आ जाएगा, ठीक है ना, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो d ओवर dx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर sin x प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, dy ओवर dx
यहां पर पहले इसको लिखो cos x माइनस साइन x इंटू e की पावर साइन x प्लस cos x, तो ये आपका क्या हो गया? अभी इसका पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री में क्या दिया गया? e की पावर cos x स्क्वायर, ठीक है, e की पावर cos x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू e की पावर cos x का स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx cos x का, सॉरी e की पावर cos x का, इसको सही लिखता हूं, e की पावर cos x का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा? dy ओवर dx क्या आ जाएगा? e की पावर cos x का स्क्वायर d ओवर dx cos x का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा फिर क्या आएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर cos x का स्क्वायर, अभी cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है, माइनस साइन x, ठीक है ना, का स्क्वायर, फिर d ओवर dx, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो dy ओवर dx इसके बराबर है e की पावर cos x का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, तो अभी इसको तरतीब दिया हम पर, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2x साइन x का स्क्वायर e की पावर cos x का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर x, हमने क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हमने क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर x, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से करेंगे? डिफरेंशिएट x के हिसाब से, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है? dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू d ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर x, अभी इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये फंक्शन इधर आ जाएगा, ऊपर फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फिर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, सॉरी फिर माइनस आ जाएगा, फिर ये फंक्शन इधर एज इट इज आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा? e की पावर x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? अपॉन में e की पावर x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट हम हमारा काम है जो e की पावर x एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इसका, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहां से 2 1 कम हो जाएगा, 1 पावर रह जाएगा, तो x आ गया, ठीक है, और 1 1 कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, फिर ये माइनस ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आएगा अपॉन जो e की पावर x स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट नीचे हमारे पास क्या जाएगा? यहां से देखो e की पावर x इधर भी है इधर भी है, तो e की पावर x क्या है? कॉमन है, तो यहां पर क्या जाएगा? 6x माइनस 3x का स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस 1 और अपॉन e की पावर x स्क्वायर, कॉमन से लिख सकते हैं e की पावर x इनटू e की पावर x, तो e की पावर x और e की पावर x क्या हो गए? कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया हमारे पास? 6x माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर x, तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए।